बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 120 कार्स इन ए मल्टी स्टोरी कार पार्क, गिवन दैट 30% ऑफ देम आर ब्लू। फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच आर नॉट ब्लू। नॉट ब्लू जो है वो हमें मालूम करना है। 120 कार्स में कितने नॉन ब्लू कार्स हैं। यहाँ पे ब्लू कार्स, नंबर ऑफ ब्लू कार्स आर 30% ऑफ 120%। 30% ऑफ 120 कार्स, ये जो है नंबर ऑफ ब्लू कार्स हैं। तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स परसेंटेज ऑफ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, नंबर ऑफ ब्लू कार्स नहीं, परसेंटेज ऑफ ब्लू कार्स इज़ इक्वल टू 30%। परसेंटेज ऑफ नॉन ब्लू कार्स इज 100% माइनस 30%। 100% में से 30% माइनस कर देंगे तो 70% आ जाएगा। यानी 30% जो है वो ब्लू कार्स हैं, तो रिमेनिंग परसेंटेज जितनी भी होगी वो नॉन ब्लू कार्स होगी, यानी 70%। अब 70% ऑफ 120 कार्स जो है वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स इज इक्वल टू 70% ऑफ 120 कार्स। 120 कार्स का 70% जब हम निकालेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो होगा नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स। 70% परसेंट को हम चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ मींस मल्टीप्लाई 120 कार्स, ओके। 0 120 के 0 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 0 70 के 0 से कैंसिल हो जाएगा। 77 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84 कार्स। तो नंबर ऑफ नॉन ब्लू कार्स हैं वो 84 कार्स हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8A, बुक D1, 7th एडिशन। इस क्वेश्चन में मालूम किया जा रहा है कि जॉन वे इज अ बस ड्राइवर हु अर्न्स $1600 पर मंथ। तो जॉन वे अर्निंग इज इक्वल टू $1600 पर मंथ। While Lixon is a manager who earns $6800 per month. ये per month manager की earning आ गई। In 2012, जून वे donated a total of $1200 to a charitable organization. तो donation जो है जून वे का जो है वो $1200 है पूरे साल में। And Lixon, while the Lixon donated a total of 4,500 charitable organization, उस donation जो है वो Lixon का 4,500 है पूरे साल में, यानी 2012 में। Who donated a higher percentage of his or her annual income to a charitable organization? Annual income हम इसने मेंशन किया है तो इसका मतलब है कि हमें जो जो अर्निंग हमें बताई गई है जैसे जून वे की है वो 1600 पर मंथ है। तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, $1600 मल्टीप्लाई बाय 12 पर एनम। ये जून वे की
अर्निंग आ गई। अब जोन वेक द पर्सन डोनेशन, डोनेशन कितना है जोन वे का? $1,200। तो परसेंटेज ऑफ डोनेशन ऑफ जोन वे इज इक्वल टू, जो डोनेशन है वो है 1200 और अर्निंग है पर एनम 1600 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल अर्निंग आ गई पर एनम। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, हमें परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब है कि हमें 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दो जीरोस यहाँ से कैंसिल हो गए 1200 से, और 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो 1600 डिवाइड बाय 16, ये हमारे पास अगर हम इसको फ्रॉम कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो 6.25% आ जाएगा। ये परसेंटेज ऑफ डोनेशन ऑफ जोन वे 6.25%। अब लिक्सन जो मैनेजर है, लिक्सन, इसकी अर्निंग, लिक्सन अर्निंग ये हमारे पास 4500, लिक्सन अर्निंग 6,800 डॉलर पर मंथ है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6,800 मल्टीप्लाई बाय 12 पर एनम आ जाएगा। अब इसकी जो लिक्सन ने डोनेशन जो दिया है वो दिया है 4,500। लिक्सन डोनेटेड अ टोटल नंबर ऑफ 4,500 डॉलर। तो डोनेशन ऑफ लिक्सन इज इक्वल टू 4,500 डॉलर। तो इसके हम परसेंटेज ऑफ डोनेशन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ डोनेशन ऑफ लिक्सन इज इक्वल टू, जो भी डोनेशन है वो हम उसकी उसका परसेंटेज निकालेंगे 4,500, और टोटल इनकम उसने कितनी है 6,800 मल्टीप्लाई बाय 12 इनटू, ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गया पूरा, इसको हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो जो है वो 4,500 के और 6,800 के कैंसिल हो जाएंगे। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.51%। अब हमारे पास दोनों परसेंटेज आ गई चैरिटी की डोनेशन की, जोन वे की है 6.25% और लिक्सन की है 5.5%। तो क्वेश्चंस में पूछा गया था हु डोनेटेड ए हायर परसेंटेज ऑफ एनुअल सेल ऑफ हर एनुअल इनकम। तो ये हम देख सकते हैं कि जून वे जो है डोनेटेड हायर परसेंटेज
of income, of her or his income. Okay, so I think it's clear now for you. If you have any question, then please ask me. तो I think ये समझ में आ गया होगा आपके. अगर कोई question हो तो आप मुझे यकीनन पूछ सकते हैं. Thank you very much.